धीरज वर्मा एसएससी में आपका स्वागत है। देखते हैं एक्सरसाइज 5 है आज। तो पहला सवाल कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं, अपने उत्तरों के लिए कारण भी दीजिए। तो पहला कह रहा है, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, तो यह हमारा कथन गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए, एक बिंदु ये हमने रखा, अब इस बिंदु से होकर असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है। जैसे एक, देखिए एक ये रेखा हो गई, एक ये रेखा हो गई, ये इसी प्रकार से कितने हो सकते हैं, असंख्य। ठीक, यानी ये हमारा कथन क्या है, गलत है। दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं होती नहीं। देखिए कैसे, दो बिंदु, देखिए एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। जैसे हमने यहाँ पर बताया था, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कितना बिंदु था, एक, तो इसी बिंदु से तो सभी रेखाएं जा रही हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, इन दोनों बिंदुओं को छूती हुई सिर्फ और सिर्फ एक रेखा जाएगी। ऐसा कोई कुछ नहीं कि दूसरी रेखा इस प्रकार से चली जाए तो ये रेखा तो रह नहींगी। ठीक, यानी दो बिंदुओं से छूकर सिर्फ कितनी रेखा जा सकती हैं, सिर्फ और सिर्फ एक रेखा। जबकि यहाँ पर क्या लिखा, असंख्य रेखा, यानी ये भी कथन क्या है, हमारा गलत है। फिर कह रहा, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। हाँ, जैसे कोई एक रेखा खींची है, इसको हम दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी बढ़ा सकते हैं। ठीक, अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। ठीक, यदि दो वृत्त बराबर हैं, अनिश्चित इसलिए लिखा है क्योंकि उसकी कोई निश्चित दूरी नहीं कि हम इतना ही बढ़ा सकते हैं, जितनी जगह हो उतना बढ़ा सकते हैं। यदि दो वृत्त बराबर हैं, जैसे कोई एक वृत्त दिया है, एक ये वृत्त है और एक ए वृत्त, ठीक, अब प्रकार से बनाना। ठीक, यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं, ये हमारा कथन सत्य है। फिर बात करते हैं, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, ये भी कथन सत्य है। अब बात करते हैं, आकृति में यदि ए बी बराबर है पी क्यू को, ए बी पी क्यू के बराबर है और पी क्यू जो है एक्स वाई के बराबर है, तो क्या ए बी बराबर एक्स वाई होगा, यानी ये हमारा कथन सत्य है। ये भी कथन सत्य, ये भी, और ये दो असत्य है। अब देखिए कैसे, देखिए यहाँ पर दिया है ए बी बराबर दिया है पी क्यू, ये मान लेते हैं हम समीकरण पहला। फिर यहाँ पर दिया है पी क्यू बराबर एक्स वाई, ये मान लेते हैं समीकरण दूसरा। समीकरण दो में समीकरण एक का मान रखने पर, देखिए पी क्यू बराबर है ए बी के, तो पी क्यू की जगह हम क्या रख सकते हैं, ए बी, ए बी बराबर क्या हो गया एक्स वाई, यही हमको सिद्ध करना था, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए, क्या इसके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, वे क्या है। देखिए किसी समांतर रेखाएं क्या होती है, देखिए समांतर रेखाएं क्या होती हैं, एक और ये दो, मान लो कोई रेखाएं दी हैं, ठीक, दो रेखाएं दी हैं, किसी समतल में स्थित दो रेखाओं को दोनों तरफ बढ़ाने पर एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। ठीक, समांतर रेखाएं क्या कहते हैं, ऐसी रेखाएं, ठीक, जो जैसे समांतर रेखा है या नहीं, तो इसके लिए क्या होता है, अनंत, यानी कितना भी आप दोनों तरफ बढ़ा दो, इधर भी बढ़ा दो, इधर भी बढ़ा दो, ठीक, पटरी से, ये नहीं कि गलत खींच दो, ठीक, ये एक दूसरे को कभी नहीं प्रतिच्छेद करेंगी, उसे कहते हैं समांतर रेखाएं। ठीक, अगर जैसे मान लेते हैं, अगर जैसे मान लेते हैं, ये बताइए, जैसे ये रेखा है हम खींच रहे हैं और ये रेखा, अब ये बताइए समांतर है या नहीं, ये समांतर रेखा नहीं, क्योंकि इसको अगर हम बढ़ाएंगे दोनों तरफ तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को काट देंगे, जबकि समांतर रेखाएं क्या होते हैं, दोनों तरफ कितना भी बढ़ा लो वो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगे। फिर बात करते हैं लंब रेखाएं, लंब रेखाएं क्या होती हैं, लंब रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर मिलती है वह आसन्न कोण बराबर होता है तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है। आप देखिए लंब रेखा क्या होती है, जैसे ये रेखा दिए मान लेते हैं ए बी और ये रेखा है इस पर पी क्यू, पी क्यू, तो पी क्यू जो है ए बी पर लंब है। अब देखिए परिभाषा समझिए, लंब रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर मिलती हैं, एक ए बी और पी क्यू, हम कहेंगे पी क्यू जो है, पी क्यू जो रेखा है ए बी पर लंब है, पी क्यू लंब है ए बी पर। देखिए लंब रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर मिलती हैं, कहाँ मिलनी, इस बिंदु पर, वह आसन्न कोण बराबर होते हैं। अब यहाँ पर आ गया आसन्न कोण, तो देखिए आसन्न कोण क्या होता है, आसन्न कोण में शीर्ष, देखिए एक कोण ये है इसका शीर्ष ये है और एक कोण ये है इसका शीर्ष, इसका दोनों कोणों का शीर्ष और एक भुजा, एक भुजा उभयनिष्ठ होती है, यानी दोनों कोण में। देखिए अगर P
पी क्यू भी एक कोण ये बना दे और पी क्यू ए एक कोण ये बना दे, तो दोनों में देखते हैं पी क्यू जो भुजा है दोनों कोणों में कामन है और ये जो बिंदु क्यू है ये भी दोनों में शीर्ष है, उभयनिष्ठ है। आसन कोण आपस में बराबर होते हैं, ये कोण और ये कोण बराबर होता है, तथा प्रत्येक कोण कितना होता है समकोण यानी 90 अंश का होता है जहाँ पर लंब होगा। ठीक, अगर हम यहाँ पर बना दें और इस प्रकार से लिख दें, ये लिख दें 60 और ये लिख दें 120, तो अब बताइए ये लंब है? नहीं है। क्यों? क्योंकि आप दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं और 90 अंश के होते हैं। रेखाखंड की एक निश्चित माप होती है, बात कर रहे हैं रेखाखंड क्या होता है, रेखाखंड की एक निश्चित माप होती है और इसे ज़्यादातर कैपिटल लेटर से दर्शाया जाता है, जैसे ए बी, और इसकी माप दी है 5 सेंटीमीटर। एक निश्चित माप होती है और इसके दो अंत बिंदु होते हैं, अंत बिंदु जैसे ये आखिरी बिंदु है और ये आखिरी बिंदु है। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, अब देखिए वृत्त की त्रिज्या अच्छे से समझिए, ये है हमारा वृत्त और ये क्या है केंद्र। अब क्या है, यहाँ हमने लिखा है वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी, इसे कहते हैं वृत्त की परिधि। तो वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी, ये परिधि ये इस दूरी को क्या कहते हैं त्रिज्या। ठीक, और त्रिज्या जो होती है वृत्त की, त्रिज्या जो होती है वृत्त की आधी होती है, वृत्त की नहीं व्यास की, त्रिज्या जो होती है व्यास, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, त्रिज्या किसकी आधी होती है व्यास। अगर त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो देखिए 5 सेंटीमीटर से इधर है तो 5 सेंटीमीटर इधर भी होगा, तो यानी व्यास कितना हो गया 10, जो त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है। फिर बात करते हैं वर्ग, अब वर्ग समझिए क्या होता है, वर्ग में होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। ठीक, आप अच्छे से बनाना लग नहीं रहा है, ठीक, प्रत्येक भुजा व कोण आपस में बराबर होते हैं, ये चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं बराबर होती है, आयत लग रहा है, ठीक, लेकिन चलो बना देते हैं अच्छे से थोड़ा। इसमें क्या होती है चारों भुजाएं बराबर होती हैं तथा प्रत्येक भुजा व कोण आपस में बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण आपस में बराबर होते हैं 90 अंश के। ठीक, वर्ग के दोनों विकर्ण होते हैं, वर्ग में दो विकर्ण होते हैं, एक ये वाला विकर्ण, ठीक, और एक ये वाला विकर्ण। अब देखिए यहाँ पर समझिए दो विकर्ण होते हैं और विकर्ण जहाँ पर मिलते हैं, देखिए यहाँ पर मिल रहे हैं तो आपस में समद्विभाजित हो रहे हैं, समद्विभाजित मतलब अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर इधर बचा, 4 सेंटीमीटर इधर बचा, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर विकर्ण आपस में बराबर होते हैं और जहाँ पर मिलते हैं समद्विभाजित करते हैं। और समद्विभाजित भी देखें, जहाँ समद्विभाजित करते हैं वहाँ प्रत्येक कोण समकोण होता है, ये कितना आ गया 90 अंश, ये 90 अंश, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। फिर एक लाइन लिखी हमने, वर्ग का विकर्ण भुजा के साथ 45 अंश का कोण बनाता है, ये क्या है, ये है भुजा और ये क्या है विकर्ण, तो ये जो विकर्ण होता है भुजा के साथ 45 अंश का कोण बनाता है। ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि AC बराबर है BC, ये जो AC है और इस BC के क्या है बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि AC जो है हाफ यानी आधा है AB का। ठीक, इस आकृति खींच के से स्पष्ट कीजिए, तो आकृति भी खींचा, अब देखिए अच्छे से समझिए दिया क्या क्या है, AC बराबर BC दिया है, AC जो है BC के बराबर दिया है, AC और BC क्या है बराबर। अच्छा, अब हम बात करते हैं AB जो है AC प्लस BC ये मान लो समीकरण पहला मान लेते हैं और ये समीकरण दूसरा मान लेते हैं। ठीक, अच्छे से समझिए, समीकरण पहला ऑलरेडी दिया है और इस ये कहाँ से आ गया, AB को अगर निकालना है तो AC और BC को जोड़ दें, समझिए 3 और 2 5, ठीक, अगर पूरी 5 है तो ये ठीक इस प्रकार से जोड़ना है AC प्लस BC। अब बात करते हैं समीकरण फर्स्ट को ध्यान में रख के पहले लिखते हैं AC बराबर BC, ये तो हमारा दिया था, अब लिखेंगे दोनों तरफ AC जोड़ने पर, दोनों तरफ AC जोड़ने पर, दोनों तरफ AC जोड़ने पर, तो देखिए AC इधर लिखा है और इधर AC जोड़ देंगे और इधर जो BC लिखा है इसमें भी AC जोड़ देंगे। ठीक, BC में AC जोड़ दिया। ठीक, अब देखिए AC कितना हो गया 2AC और AC प्लस BC का मान क्या है AB। ठीक, समीकरण 2 से ठीक AC प्लस BC का मान क्या है AB, तो ये जो 2 है इधर काय में गुड़े में तो उधर जाएगा किस में
बटे में, तो AC बराबर AB बटे दो, जिसे हम लिख सकते हैं एक बटे दो, ठीक, एक बटे दो AB, यही हमको सिद्ध करना था। आकृति में यदि AC बराबर है BD, AC बराबर है BD के, तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर है CD, जो AB है CD के बराबर है। तो देखिए पहले दिया क्या है, AC बराबर BD, यह है हमारा दिया है, दिया है, ठीक। तो यह हम मान लेते हैं समीकरण हमारा पहला हो गया। अब देखिए AC को हम कैसे लिखेंगे, AC को हम चाहे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, अच्छे से समझिए, AB प्लस BC, AB प्लस BC, ये जो AC तक अगर हमको कुछ ज्ञात करना है तो पहले AB और BC को अगर जोड़ देते हैं तो हमको AC पता चल जाएगा बराबर। अब बात करते हैं BD की, BD को कैसे लिख सकते हैं, BC और CD को, BC प्लस CD, अच्छे से समझिए, AC बराबर BD यहाँ पर दिया हुआ था, अगर AC हमको निकालना है तो AB प्लस BC लिख देंगे, और अगर BD हमको निकालना है तो BC प्लस CD लिख देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, BC इधर है, BC इधर ये गया कट, तो ये हमारा आ गया AB बराबर CD, यही हमको सिद्ध करना था। नौ क्या कह रहा है, आप यूक्लिड की पांचवी अवधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। और प्रश्न नंबर 10, 9 और 10 समझे एक ही प्रकार का है, क्या यूक्लिड की पांचवी अवधारणा, देखिए पांचवी अवधारणा से समांतर रेखाओं का अस्तित्व का औचित्य निर्धारण होता है। तो ये देखिए अच्छे से समझिए, अगर कोई दो रेखाएं जैसे मान लेते हैं यम और यन, और तीसरी कोई रेखा यल जो उसको प्रतिच्छेद कर रही है, तो देखिए आप जब रेखा प्रतिच्छेद कर रही है तो इसके बाई तरफ या दाई तरफ, देखिए ये दाई है ये बाई तरफ, तो दाएं तरफ के अंतः कोणों का योग, यानी दाएं तरफ के अंतः कोणों का योग अगर 180 अंश होता है, ठीक, दाएं तरफ या फिर बाएं, यानी ये अंतः कोण, ठीक, इन दोनों का योग चाहे बाएं के ले लो या दाएं के, चाहे दाएं या फिर बाएं, अगर योग 180 अंश होता है तो यम और यन हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है, समांतर रेखाएं हैं, तथा ये कितना भी बढ़ा लो, ठीक, ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगे, यम और यन, न तो यम यन को काटेगी न यन यम को काटेगी। एक्सरसाइज 5 द एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।